आज कानपुर महानगर में महापौर प्रतिनिधि अनुराग तिवारी वार्ड 54 विनायकपुर के द्वारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर बताया कि जो भी विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ कर दिया, बाबा का बुलडोजर चला जिसमें सपा बसपा कांग्रेस आदि पार्टी को दबाकर खत्म कर दिया। गुंडों के हौसले पस्त करने का कार्य बाबा ही कर सकते हो, वो बच्चा बहुत जल्दी आरंभ होने वाला है। कानपुर से प्रवीण सिंह की रिपोर्ट। उनको धराशायी करने का हमारे बाबा जी ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है, और ये जनता ने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार योगी जी की है वही सर्वोपरि है। अब मैं चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश देने का तो हम कार्य नहीं कर सकते, लेकिन जनता का आभार जरूर व्यक्त करते हैं। इतनी प्रचंड जो हमको जीत दी है उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी जनता का आभार व्यक्त करता हूं। श्री जितेंद्र सिंह, सत्यम विहार में रहता हूँ। बहुत बड़ी खुशी की बात है, हमारी पब्लिक ने दोबारा चुन के भेजा है, और जितना गुंडा तत्व था वो बिल्कुल ठंडा है और सब अच्छा प्रकार से चल रहा है, इसी प्रकार से आगे भी ऐसे ही होगी। और हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपनी जनता को ये संदेश देना चाहें, पुनः उन्हें दोबारा फिर रिपीट करके उन्हें फिर भेजे 24 में। क्या नाम है? सुरेंद्र अवस्थी। कहाँ रहते हैं आप? कश्यप नगर में, कल्याणपुर। यहाँ से कटियार की विधायक बनी है, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? इस बारे में कहना क्या, बाबा का बुलडोजर काम कर गया, प्रतिद्वंदियों पे वो रौंद रौंद के निकलता हुआ चला गया और सरकार बन गई। अब हम चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को ये संदेश है कि इसी प्रकार से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और बीजेपी के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। Yeah।